तो यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये एक फराटा टेबल फैन की मोटर है जिसकी वाइंडिंग में आपको कंपनी वाइंडिंग बताने वाला हूँ, जो कि आपको एल्यूमिनियम तार से बताने वाला हूँ। और ये जो मोटर है वो दिखने में बिल्कुल कूलर जैसी मोटर है, परंतु ये जो मोटर है वो इस प्रकार के जो फराटा फैन है उसमें लगती है, जिसकी वाइंडिंग मुझे करनी है। तो यहाँ पर मैंने इस मोटर को काट के इसका कंपनी का एल्यूमिनियम तार से वाइंडिंग डेटा देख लिया है। यदि आप इसकी वाइंडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि इसके स्लॉट की लंबाई लगभग 26 mm है और चौड़ाई लगभग 27 mm है। और यहाँ पे ये जो मोटर है वो कूलर जैसी मोटर है, जो कि फराटा टेबल फैन की है, 24 खाचे है, स्लॉट की लंबाई लगभग 26 mm और चौड़े लगभग 75 mm है। और इसमें जो कॉइल बनती है वो लस्सी वाली कॉइल बनती है, इसमें आप 4 या 5 कोई भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, 4 का या 5 का एल्यूमिनियम तार से। अब मैं आपको कंपनी वाइंडिंग डेटा बता दूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि जब भी आप इसके रनिंग कॉइल की वाइंडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको रनिंग कॉइल में 100 आटे लेने हैं, 100 आटे आपको 29 नंबर एल्यूमिनियम तार से लेने हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि 1 से 4 के अंदर 2 बार कॉइल घूमती है और 1 से 6 के अंदर 3 बार कॉइल घूमती है। एक कॉइल की मैं वजन की बात करूँ तो लगभग 27 ग्राम है, टोटल 4 कॉइल बनती है रनिंग की। अब इसके बाद जब आप इसके स्टार्टिंग की वाइंडिंग करते हैं तो आपको 121 आटे लेने हैं, 31 नंबर एल्यूमिनियम तार से। टोटल यहाँ पे 4 सेट बनते हैं, एक सेट का वजन लगभग 22 ग्राम है। और यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि 1 से 4 में 1 बार आटी घूमती है और 1 से 6 के अंदर 3 बार आटी घूमती है, जो कि एक लंबी कॉइल लस्सी वाली कॉइल लगती है। यदि आपको इसकी वाइंडिंग में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।